वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्पल पेशेंट के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जो ये क्लास कर रहे हैं, वैसे तो 30 डेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें यूपी जीके का मैंने पार्ट लिया हुआ है और आज मैं यूपी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एक संक्षिप्त परिचय होता है वो मैं देने वाली हूँ। तो आपको ये क्लास पूरी देखनी है, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आर ओ री एग्ज़ाम के लिए और यूपी पीसीएस एग्ज़ाम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आर ओ री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें आपको कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू। इसके साथ साथ आपको क्विज अवेलेबल कराई जा रही है, टेस्ट सीरीज़ हैं जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कंटेंट दिया जा रहा है। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना मटेरियल ही प्रिपेयर करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से भी आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐप डाउनलोड करेंगे और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूपी के संक्षिप्त परिचय में हम जानेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, कितने राज्यों से सीमा लगती है, कितने ज़िले हैं, ये सारी चीज़ें पहले समझेंगे। तो उत्तर प्रदेश में भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है, उत्तर प्रदेश जो है भारत के उत्तर में स्थित है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 240,928 वर्ग किलोमीटर है और इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो देश का कितना है तो 7.33% है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। अब ये 8 राज्य अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं, पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली है और राजस्थान है, दक्षिण में MP और छत्तीसगढ़ है, पूर्व में बिहार है और झारखंड राज्य स्थित हैं। कितने हो गए? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश, बाकी क्या हो गए? राज्य जो इससे सीमा साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल एक देश भी स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। प्रदेश का जो सबसे पूर्वी ज़िला है वो बलिया, सबसे पश्चिमी ज़िला शामली है, उत्तरी सहारनपुर है और दक्षिणी ज़िला कौन सा है? सोनभद्र। तो आप ऐसे ड्रॉ करिए एक, तो सबसे पूर्वी क्या लिखेंगे? यहाँ पर आपको लिखना है बलिया, इधर लिख लेंगे शामली, यहाँ पर सहारनपुर और फिर नीचे लिखेंगे सोनभद्र, फिर पूरा एरिया क्या डाल देंगे यहाँ पर, जितना एरिया 240,928 वर्ग किलोमीटर और फिर 7.33% पूरे इंडिया का ये भी डालिए और कितने देशों से सीमा साझा कर रहा वो भी आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो MP है और सर्वाधिक सीमा की लंबाई में भी मध्य प्रदेश के साथ ही ये साझा कर रहा है। यूपी का जो अक्षांशीय विस्तार है ये इम्पॉर्टेंट है, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। फिर जब देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, वो 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई की बात करें 650 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से उत्तर में मिलती है और नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश के 7 जिले जुड़े हैं। अभी 7 जिले कौन हैं कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये सारे क्या हैं? ये सारे नेपाल से सीमा साझा करते हैं। प्रश्न कैसे बनता है? आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा ज़िला है जिसकी नेपाल से सीमा नहीं लगती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से 7 ज़िले हैं जिनकी लगती है। प्रदेश की नेपाल से लंबाई जो है वो लगभग 579 किलोमीटर है और इन जिलों के जो सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की केंद्र पूर्व निर्धारित योजना बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित है।
यूपी के 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों को अब हम लोग देखेंगे। उत्तर में शिवालिक क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र में गंगा का मैदान है और दक्षिण में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 1000 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर के बीच होती है। वार्षिक तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। राज्य का अपवाह कई नदियों द्वारा होता है, जिनमें गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, बेतवा, चंबल और गंडक ये सारी शामिल हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 199.81 मिलियन है। और भारत की जनसंख्या कितना है पूरे देश में बात की जाए तो भारत की जनसंख्या का 16.50% है। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है क्रमशः? तो शहरी जनसंख्या 22.27% और अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो 77.73% है। जनजातीय जनसंख्या यहाँ पर 0.57% है। राज्य का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत से 2 गुने से भी अधिक है। उत्तर प्रदेश के 4 पारिस्थितिक क्षेत्र हैं, जो कि तराई, गंगा का मैदान है, भाबर और विंध्य का क्षेत्र जो आच्छादित करते हैं। राज्य में 6 स्पष्ट विशिष्ट मृदा समूह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 4 पारिस्थितिक क्षेत्र देखे, 1 तराई, गंगा का मैदान, भाबर और विंध्य क्षेत्र। ठीक है, अब मृदा समूह देखेंगे तो भाबर, तराई, विंध्य, बुंदेलखंड, अरावली और जलोढ़ मृदा, ये सारे समूह यहाँ पर पाए जाएंगे। वर्षा भूभाग और मृदा की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय और खेती के अनुकूल है। प्रदेश के लोगों की आजीविका का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि है। अब हम लोग देखेंगे अंग्रेजी शासन काल से उत्तर प्रदेश के कई बार नाम बदले गए, वो नाम कौन कौन से रहे। तो सबसे पहले 1775 से 1833 के बीच की बात करें तो ये जो प्रांत है वो प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम अर्थात बंगाल के अधीन हुआ करता था। फिर 1834 में यह प्रांत प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम अर्थात बंगाल से अलग किया गया और गवर्नर चार्ल्स थियोफिलस मेटकॉफ ये थे, इनके अधीन रखा गया। और इसका मुख्यालय और राजधानी कहाँ बनाई गई? इलाहाबाद बनाई गई। और इस प्रांत का नाम रखा गया आगरा प्रेसिडेंसी। ठीक है, 1836 में क्या होता है, ये प्रांत जो है ये थियोफिलस मेटकॉफ के पास था ना, तो इसके बाद ये इन्हीं के अंडर कर दिया गया और इसका नाम रखा गया वेस्टर्न प्रोविंसेस और इसकी राजधानी इलाहाबाद से बदली गई अब आगरा कर दी गई। 1856 में अवध अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ये जेम्स आउटन थे, इनकी रिपोर्ट आती है, ये कमिश्नर थे वहाँ पर, उनके ही अधीन रखा गया था और इन्होंने ही रिपोर्ट दी थी। इससे डलहौजी क्या करता है, हड़प लेता है। तो अवध के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हैं, 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें कई बार पढ़ा होगा। तो ये अवध के बारे में हो गया कि 1856 में ये मिला लिया गया था अंग्रेजी राज्य में। फिर 1858 में इस प्रांत को राजधानी आगरा इसकी बदली गई। अब 1858 में राजधानी भी परिवर्तित हो रही है और नाम भी बदल रहे हैं, टाइम देखते जाइए। तो इस प्रांत की जो राजधानी आगरा से बदलकर फिर से कहाँ करी जाएगी, इलाहाबाद करी जाएगी। 1877 में अवध के जिले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में मिला दिए गए और इसका नाम बदलकर रखा गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध। फिर 1902 में इस प्रांत का नाम रखा गया यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। अब 1937 में इसका नाम रख दिया गया यूनाइटेड प्रोविंसेस, बड़ा हो जा रहा था नाम, ले नहीं पा रहे होंगे। तो 1949 में यूनाइटेड प्रोविंसेस में जिला रामपुर, टिहरी गढ़वाल और बनारस स्टेट भी इसमें मिला लिया गया था। अब 1950 में इस प्रांत का नाम रखा गया उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को। और 2000 में क्या होता है, इससे कुछ भाग अलग करते हैं उत्तरांचल प्रांत जो था इसका और बनाया गया उत्तराखंड राज्य। तो याद रहेगा और आपसे पूछा जाता है संयुक्त प्रांत नाम कब रखा गया, तो ये भी याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश कब रखा गया, तो 1950 में 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया, याद रखिएगा सारी चीज़ें क्रम में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह, राजधानी और गठन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा उत्तर प्रदेश का जो नाम है या इस नाम से राज्य का जो गठन है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य का विभाजन कब हुआ, जब 13 जिले काटे गए उत्तरांचल वाले क्षेत्र के और उत्तराखंड बनाया गया 9 नवंबर 2000 को। राज्य की भाषा हिंदी है अक्टूबर 1947 से और उर्दू राज्य की भाषा बनाई गई दूसरी 1989 से। समय पूछा जाता है, राज्य की पशु बारह सिंघा है, राज्य की जो पक्षी है वो सारसियाँ क्रॉन्च है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए राज्य की वृक्ष क्या है, तो अशोक है, यह अशोक दिख रहा है, यह अशोक है,
आगे देखते हैं राजकीय जो पुष्प है, पुष्प देख लीजिए कौन सा है, पलास है, टेशु बोलते हैं इसको ये। और राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में दो मछली है, एक तीर धनुष है। इसे 1938 में स्वीकृत किया गया था। राजकीय खेल हॉकी है। यूपी की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान चौथा, इससे पहले राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, फिर यूपी आता है। आकार कैसा, वर्टिकल है। ग्लोब पर स्थिति बात की जाए तो 23:52 से 31:28 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और देशांतर की बात की जाए तो 77:30 से 84:39 पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। अक्षांशीय विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण के बीच यह 7:36 का, और देशांतरीय विस्तार पूर्व से पश्चिम है 7:09 का। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले इसके चार जिले बात किए जाए तो सबसे पहले लखीमपुर खीरी है, फिर सोनभद्र है, हरदोई है, सीतापुर है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले हापुड़ है, भदोही है, गाजियाबाद और फिर शामली है। सबसे कम किसका हो जाएगा यहाँ पर, तो आप याद रखिएगा हापुड़ का। नेक्स्ट है प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन से हैं, तो सबसे पूर्वी बलिया है, सबसे पश्चिमी शामली है, और सबसे उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी सोनभद्र है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित कौन कौन से यूपी के जिले हैं, इसमें गाजियाबाद है, हापुड़ है, मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है और बागपत है। याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए यूपी जीके से रिलेटेड, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी क्लास। कहीं भी डाउट लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर बताते रहिए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। और पूरी क्लास देखा करिए, एक दो बार रिपीट करेंगे, आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चल रही, फिर हम लोग डिटेल में यूपी जीके फिर से डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पर आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आसानी से आप अपना बेस्ट मटेरियल पा सकते हैं सिलेक्शन के लिए, जो कि आपको टेस्ट प्रैक्टिस तो कराई ही जा रही है, साथ में आपको कंटेंट रिकॉर्ड वीडियो के फॉर्म में दिया जा रहा है, जो कि आप आसानी से सारी क्लासेस करते हुए प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।